शाबाश बच्चे। अब वी विल प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। Everybody, light, write down the heading, light M2 module, question number 5 onwards. शाबाश बेटे। लुक हियर, ही सेज इन द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मिरर इन ए टॉर्च दैट इज फ्लैश लाइट। शाबाश, टू रिफ्लेक्ट लाइट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। द स्टूडेंट हैज पिक्ड अप द सेकंड ऑप्शन, टू रिफ्लेक्ट द लाइट इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। For other student, I am going to explain. Look here, bete. If this is your torch with on-off button, and you know inside the torch there are dry cells in the series. These are these electric cells, and here it is bulb, here it is glass. So I am showing this particular section in the magnified view. Bulb and here it is glass. So what happens, from this bulb the light is already going in the forward direction, but some of the light will fall on this curved mirror. Which mirror it is? Concave. Okay, so when this light will fall, it will get reflected and will go in the forward direction, that is in a particular direction, right? So fourth option, जो light torch की back side आ रही थी उसका हमें कोई फायदा नहीं था, हमने उसको concave mirror की मदद से forward यहाँ पर सड़क के ऊपर, road के ऊपर reflect करके फेंक दिया, ठीक है? तो that means the purpose of the mirror in a torch flashlight is to reflect the light in a specific direction, B option. Let's move to the sixth question. I am asking this question from 7th A Harpreet. Harpreet 7th A, please come on the mic. So he says, which type of the mirror converges light to a single focus point, creating a focused beam of light in a torch. शाबाश हरप्रीत बेटे, ये कह रहे हैं कि ये जो मिरर लगता है टॉर्च के अंदर वो कौन सा होता है? टॉर्च के अंदर कौन सा मिरर बताया अभी अभी टीचर ने? बेटे सिक्स्थ क्वेश्चन, मॉड्यूल टू, मॉड्यूल M2, सिक्स क्वेश्चन। अभी अभी बताया आपको, देखो ये, देखो बच्चे, अगर ये कॉनकेव मिरर है और इसके ऊपर पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आती है सपोज, या बल्ब से भी आती है, तो ये बिल्कुल एक फोकस की तरफ हो जाता है। तो मिरर, बिल्कुल, कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। शाबाश सारे बच्चे लिख लो, एवरीबॉडी, कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। लुक हियर, कन्वेक्स मिरर, दिस वन कॉन्वेक्स मिरर विच द टीचर प्रेजेंटली मेकिंग इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग मिरर। ये डायग्राम बना देना दोनों की,
इज कॉल्ड दी डाइवर्जिंग मिरर। ये लाइट को फैला देता है बेटे। डाइवर्जिंग के स्पेलिंग, लुक हियर, कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड दी डाइवर्जिंग मिरर। देखो ये इसके अंदर लिख दिया मैंने। एंड कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड दी कन्वर्जिंग मिरर। देखो दोनों बाउंड्रीज बंद कर दी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवंथ क्लास में बेटे एक बच्चा है हर्षदीप। माइक पे आ जाओ। सेवंथ बी में एक बच्चा है लवदीप। प्लीज कम ऑन द माइक लवदीप। और सेवंथ सी में हर्षप्रीत। यस माय क्वेश्चन इज फॉर यू। सेवंथ क्वेश्चन मॉड्यूल टू लास्ट में लिखा हुआ पेज नंबर टू के। विच व्हेन द मिरर इन अ टॉर्च इज कॉनकेव मिरर इट इज यूज्ड टू। बोलो क्या। क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन मॉड्यूल टू। सर ए पार्ट नो बेटे नो। टॉर्च का काम डाइवर्स, डाइवर्स मैंने तो बिखेरना होता है, डिस्पर्स, डिस्पर्स मैंने बिखेरना। टॉर्च तो ऐसे, टॉर्च को ऑन करते हैं तो लाइट एक पॉइंट पे फोकस नहीं होती क्या। बोलो। यस यस डायरेक्ट द लाइट फॉरवर्ड। हाँ जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है तो कौन सा होएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। कौन है बेटे आपका नाम। लवदीप था जो बच्चा अभी। अर्शदीप। लवदीप है सेवंथ बी में। ऑन द माइक बेटे आपके लिए एट्थ क्वेश्चन है। एट्थ क्वेश्चन पेज नंबर थ्री के टॉप पर। असाइनमेंट। एक कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल मिरर। कैन ए कन्वेक्स मिरर एवर फॉर्म द रियल इमेज, वाई और वाई नॉट। क्या कभी कन्वेक्स मिरर से रियल इमेज बन सकता है या नहीं। टीचर, नो हाँ नहीं बन सकता क्योंकि टीचर ने, क्यों बता सकते हो बेटे। वाई, वाई इट इज सो। कन्वेक्स से हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा बट वाई। सर बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सपेंडिंग रेज ऑफ लाइट। शाबाश, क्योंकि हम इससे जो लाइट जो होती है वो डाइवर एक्सटेंडेड रे से बनती है। एक्सटेंडेड रे से कभी भी रियल इमेज नहीं बनता। ठीक है लिखो लिखो शाबाश एवरीबॉडी। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज। बिकॉज हेयर द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडेड रेज ऑफ लाइट। हेयर द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडेड रेज ऑफ लाइट। ओके अब हम असर्शन रीजन। प्लीज स्टूडेंट्स जो रोम कर रहे हैं क्लास में सिट डाउन। सेवंथ ई में बच्चे खड़े क्यों हैं बेटे। सेवंथ ई असर्शन रीजन। प्लीज रिपीट क्वेश्चन। दे डोंट हैव वर्चुअल नोटबुक्स एंड गॉट द पनिशमेंट। ओके ओके कुछ बच्चे कह रहे हैं एट्थ एट्थ क्वेश्चन का आंसर दोबारा बोल दें टीचर। लेट मी रिपीट इट। कन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक्स द वर्चुअल इमेज बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज बाय एक्सटेंडेड रेज ऑफ लाइट। बिकॉज इमेज इज फॉर्म्ड ऑलवेज बाय एक्सटेंडेड रेज ऑफ लाइट। सेवंथ डी स्टूडेंट्स डॉट टर्न बैक।
सेवंथ डी के स्टूडेंट्स माइक ऑन करें। हाँ जी बेटे, अजर्शन रीजनिंग, अजर्शन रीजनिंग, अजर्शन रीजनिंग के लिए आई वुड लाइक टू कॉल सेवंथ डी दीक्षा, प्लीज कम ऑन द माइक। सेवंथ एफ जसलीन, प्लीज कम ऑन द माइक। सेवंथ डी दीक्षा, सेवंथ एफ जसलीन। बेटे पहले दीक्षा पढ़ेगी। अजर्शन, कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज्ड इन स्ट्रेट लाइट्स, रॉन्ग और फॉल्स? माइक ऑन करके अच्छे से बोलो, नहीं सुन रहा, आवाज तो बिल्कुल नहीं आ रही, आपका माइक खराब है। इसका इंडिकेशन दो बेटे मेरे को। अगर आप कहते हो कि ये सही है तो दोनों हाथों से नमस्ते का साइन बनाओ, अगर सही है। अगर गलत है तो आप एक हाथ हटा लो नमस्ते के साइन। नहीं बेटे, रॉन्ग हो गया। कॉन्वेक्स मिरर्स नहीं यूज होते स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में भी देखो ऐसा होता है बेटे, ये देखो आप भूल गए, ये स्ट्रीट लाइट है हमारा, तो यहाँ बल्ब लगा होता है, तो बल्ब से ऐसे लाइट टक्कर जाती है बैकवर्ड और टकरा के वापस आती है, फॉरवर्ड तो आती जाती है, ऐसे देखो नीचे आ रही है स्ट्रीट लाइट से। तो ये कौन सा मिरर हो गया बेटे हैं स्ट्रीट लाइट में? बिल्कुल टॉर्च वाला सिस्टम, कौन सा? कॉनकेव। टेक योर सीट। जसलीन बेटे इसका रीजन बताओ। सर ऑप्शन नंबर डी सर, हाँ, ऑप्शन नंबर डी। रीजन ट्रू। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज दी लाइट इन स्मॉल एरिया देन दी प्लेन मिरर, कैसे बेटे? ये तो गड़बड़ कर, देखो कन्वेक्स मिरर तो ज्यादा पे करेगा ना, ये देखो ये प्लेन मिरर है, योर अटेंशन, ये प्लेन मिरर है, इधर से लाइट आई ऐसे गया, अगर इधर से लाइट आई ऐसे गया, लेकिन अगर कन्वेक्स मिरर होता, कन्वेक्स मिरर, तो देखो लाइट ऐसे गई, इधर से लाइट आई, इधर से जो लाइट आई तो ऐसी गई, अगर इधर से लाइट आई तो ऐसे गई, तो ज्यादा एरिया ये वाला डाइवर्ज करेगा प्लेन मिरर के मुकाबले। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, सेकंड असर्शन रीजन, लेट मी रीड इट। अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द शेविंग मिरर। देखो बेटे जो हमारा, हम जब शेव करते हैं ना बेटे, अगर हमने या शेव करते हैं या पगड़ी बांधते हैं टर्बन, या लेडीज मेकअप करती हैं, तो उनको अपना फेस बड़ा दिखना चाहिए, और बड़े दिखने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। आई एम इरेजिंग इट। देखो बेटे अगर हम कंकेव मिरर ले लेंगे, ध्यान से सुनना, कंकेव मिरर, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, और इसको हम लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, यहां पर का क्या मतलब, फोकस और पोल के बीच में, जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तो उसका जो इमेज बनता है काफी बड़े साइज का बनता है और वर्चुअल बनता है। इस इमेज का क्या रूल होते हैं? इरेक्ट, मैग्निफाइड, वर्चुअल। कब मिरर कौन सा हो, कॉनकेव, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, ये सारे बच्चे ये डायग्राम बना लो, ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए? ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन, ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पी एंड एफ।
और देखो टीचर ने मेमोरी टूल लिखा है, ई फॉर इरेक्ट, एम फॉर मैग्निफाइड, मैग्निफाइड मैंने ऑब्जेक्ट के मुकाबले बड़ा, वर्चुअल देखो पिछले साल ना जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा रहा था ना एक स्कूल में पिछले साल, तो एक बच्चे उन दिनों में इलेक्शन चल रहे थे, सारे लोग वोटिंग डालने जा रहे थे, तो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा मेमोरी टूर बनाया था इसका। देखो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इरेक्ट मैग्निफाइड वर्चुअल, ये क्या क्या बताया टीचर ने बेटे, इसको क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। एक चीज और देखो, अगर यहां पर हम जहां पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर हम यहां पर ऐसे चेयर लगा के किसी बंदे को ऐसे बिठा देंगे तो उसके फेस का इमेज भी तो बड़ा दिखेगा, क्योंकि फेस भी तो पोल और फोकस के बीच में होगा। इसीलिए जितने भी ब्यूटी सैलून्स होते हैं, ब्यूटी सैलून्स महंगे वाले, उनके अंदर जो मिरर होता है ना, जो बाल सेट करता है, टर्बन सेट करता है, वो मिरर हमेशा कनकेव होता है। कौन सा होता है, कनकेव। और उनकी चेयर कहां पर लगी होती है, कस्टमर की पी और एफ के बीच में चेयर लगा के रखते हैं, हेयर ड्रेसर कस्टमर की यहां बैठता है मिरर के काफी नजदीक, किस लिए, ताकि उसका चेहरा बड़ा दिखे और वो पॉइंट आउट करे कि यहां पर मेरी मोस्टैचेस ठीक करो, यहां पर मेरी टर्बन की स्ट्रिप स्ट्रेट नहीं आई है, पैरेलल नहीं आई है, यहां पर साड़ी का पिन लगाओ, यहां पर मेरे क्लिप लगाओ, प्रॉपर नहीं लगा, क्योंकि इमेज बड़ा दिखेगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्पेशल केस है कॉनकेव मिरर का, इसको इंपॉर्टेंट लिख देना इस क्वेश्चन, इस पॉइंट को। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम चलेंगे, कह रहा है सेकंड असर्शन में कॉनकेव मिरर इज यूज फॉर शेविंग मिरर, करेक्ट। कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए मैग्निफाइड एंड अपराइट इमेज, अपराइट को इरेक्ट भी बोलते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस क्लोजर टू द मिरर, क्लोजर टू द मिरर का मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस, सेकंड के अंदर बेटे असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। थर्ड, और ये इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, अगर हम रीजन को असर्शन का एक्सप्लेनेशन माने वो भी सही। असर्शन थर्ड, थर्ड क्वेश्चन, सेवंथ एफ में ध्रुव करके एक बच्चा है, ध्रुव, इसी क्लास में अश्विंदर भी है, दोनों माइक पे आ जाएं। सेवंथ ई में ध्रुव एंड अश्विंदर, सेवंथ डी का माइक ऑफ है, बेटे ध्रुव आपके लिए क्वेश्चन है, थर्ड असर्शन, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ट्रू और फॉल्स। ध्रुव, ध्रुव सेट बिल्कुल सही, थर्ड का असर्शन ट्रू है। अब एक बच्चा कहेगा सर अभी अभी पिछली डायग्राम में तो आपने वर्चुअल बनाया था, यस, कि सिर्फ एक केस में वर्चुअल बनाता है वो, जब ऑब्जेक्ट पी एंड एफ में हो, अदरवाइज जनरली रियल बनाता है कॉनकेव। हाँ बेटे इसका रीजन सही है ध्रुव, रीजन, रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द कॉनकेव मिरर कन्वर्ज ए पॉइंट इन द फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है, रीजन इज आल्सो करेक्ट, यस। अगला क्वेश्चन किसके लिए था, अश्विंदर आर यू ऑन द माइक,
अश्विंदर यस बेटे, माय क्वेश्चन इज, फोर्थ असर्शन, कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, यस और नो? कन्वेक्स जो गाड़ियों में रियर व्यू देखता है, रियल बनाता है या सर ट्रू कन्वेक्स मिरर में कितनी रे डायग्राम बनाई थी हमने? वर यू एब्सेंट, वर यू एब्सेंट लास्ट टाइम? फिर सर यस सर नहीं आप जवाब दे पाओगे, बैठ जाओ बैठ जाओ बाय बेटे। ये बच्चा एब्सेंट था, और आप बताओ बाकी बच्चे, कन्वेक्स मिरर फोर्थ क्वेश्चन में अजर्शन इज टोटली फॉल्स। व्हाई? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल बनता है, कन्वेक्स में छोटा भी बनता है। कन्वेक्स का मेमोरी टूल क्या बनाया था हमने? मेमोरी टूल क्या था कन्वेक्स में? देव, रेक्टस देव बनाया था। डी स्टैंड्स फॉर डिमिनिश, डिमिनिश ई स्टैंड्स फॉर वर्चुअल करेक्ट, बी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल। शाबाश शाबाश। और फोर्थ के अंदर हम रीजन देखते हैं, कन्वेक्स मिरर कन्वर्जिस द लाइट फॉलिंग ऑन इट। कभी भी नहीं, अभी अभी तो टीचर ने लिखाया था, कन्वेक्स मिरर तो हमेशा डाइवर्ज करता है, रीजन भी गलत। ओके, केस स्टडी सेकंड पे, केस स्टडी पे आते हैं। शाबाश। सेवंथ एफ ए में खुशी आ जाए माइक पर, सेवंथ ए में, और सेवंथ एफ में करणप्रीत आ जाए, सेवंथ एफ में करणप्रीत माइक पे। बेटे केस स्टडी में फर्स्ट क्वेश्चन है दोनों बच्चों के लिए, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द बाउल? बाउल को ध्यान से देखो क्या है। जो बाउल होता है बेटे, वो अंदर से क्या होता है? ऐसे बाउल है, अगर अंदर से देखेंगे तो वो क्या दिखेगा हमें, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कल स्पून की मदद से मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल सही। अगर इसके रॉड लगा दें तो स्पून ही तो बन गया, तो अंदर की साइड से हमें कॉनकेव दिखेगा, और बाहर की साइड से क्या दिखेगा नेचुरली? कॉन्वेक्स। शाबाश। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड दी बाउल? अभी अभी हमने पढ़ा था, कंकेव के अंदर रियल इमेज बनता इट हैज मेड ईएमवी कैरेक्टर्स। है, इनवर्टेड। शाबाश, रियल इनवर्टेड। ओके, ये मेमोरी टूल याद रखना आपने कंकेव के लिए। कोई बच्चा बोलता है, सर बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले? वो सारी पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट नजदीक रखा हुआ है या दूर रखा हुआ। ओके, तो पक्की नेचर क्या है, मेमोरी टूल आई आर, कॉनकेव के लिए मेमोरी टूल इन्वर्टेड रियल। शाबाश। सेकंड बच्चे के लिए क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्मड इफ द बाउल इज इन्वर्टेड? इन्वर्टेड उल्टा कर दें, वर्चुअल वर्चुअल इमेज। और क्या था मेमोरी टूल इसका? इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, इसमें क्या था? देव था, देव। कॉन्वेक्स इमेज, डिमिनिश्ड इरेक्ट एंड वर्चुअल। के लिए था डिमिनिश्ड इरेक्ट एंड वर्चुअल। शाबाश। केस स्टडी सेकंड, देखो फोटो देखो सारे बच्चे। केस स्टडी सेकंड, एक बच्चा बैठा है, उन नीचे नाली है, ड्रेन, टॉर्च पड़ी है, और बच्चे की बैक साइड पर मिरर लगे हुए हैं, है ना? बच्चे का नाम क्या है? जेनी। जेनी एक बच्चा है, उससे एक टॉर्च गिर गया है नीचे। जेनी ड्रॉप्ड हर टॉर्च डाउन ए ड्रेन, द टॉर्च वॉज स्टिल स्विच्ड ऑन, टॉर्च का बटन ऑन था, बट जेनी कुड नॉट सी द टॉर्च।
Jenny lowered a mirror into the train and placed it at a position P. देखो जैनी की बैक साइड पर मिरर लगे हुए हैं बेटे, है ना, जिधर को जैनी के पैर हैं। क्यों? एट व्हाट एंगल जैनी शुड पुट द मिरर टू सी द टॉर्च। टिक द करेक्ट ऑप्शन। कहां पर वो मिरर किस पोज में लगाए ताकि उसको टॉर्च की फोटो दिखाई दे, बताओ कौन सा बेटे। बिल्कुल टॉप वाला ठीक है, या सेकंड वाला ठीक है, या जमीन पे रखने वाला लास्ट वाला ठीक है, या फिर वर्टिकल। फर्स्ट बेटे टॉर्च यहाँ पड़ा है ना, देखो टॉर्च यहाँ पड़ा है, राइट, ये टॉर्च है और यहाँ पर तो ब्लॉक है, यहाँ पर मिरर पड़े हैं। एक मिरर ऐसे रखना चाहिए तब उसको फोटो दिखेगी, कि ऐसे रखना चाहिए तब फोटो दिखेगी, कि ऐसे रखना चाहिए तब फोटो दिखेगी, कि ऐसे रखना चाहिए तब फोटो। जैनी यहां पर बैठा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। लेकिन जैनी का फेस देखो किधर है, हाँ ट्रेन की तरफ, तो कौन से में उसको फोटो दिखेगी बेटे मेरे टॉर्च की। एंग आपको याद कराया था ना प्लेन मिरर में, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर आपने पेरिस्कोप में करवाया था और आपने बताया था कि रिफ्लेक्शन किस साइड है। बेटे वो पेरिस्कोप का तो पेरिस्कोप वाला तो यहाँ पर है नहीं ना, उसमें तो वैसे डबल मिरर रखना पड़ता है, यहाँ तो हमने एक ही मिरर रखना है ऑप्शन में। पेरिस्कोप में दो मिरर थे, दो नहीं रख सकते हम, अगर दो रखेंगे तब तो उसको बहुत अच्छे से दिख जाएगा, एक ही रखना है क्वेश्चन में। तो देखो पहले तो इस जैनी को जो इधर को मुंह करके बैठी हुई है उसको अपना फेस इधर करना पड़ेगा, फिर उसके वर्टिकल मिरर का ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहां से लाइट जब जाएगी ना ऐसे तो उसकी आंखों में जाएगी। यस या नो? यही टीचर ने जो बताया, यहां पर अगर मैं ब्लू कलर चेंज करके बताऊं अपने बच्चों को, ये देखो ये गई लाइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, उसके बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना, राइट, येलो कलर पे ध्यान से देखो तभी तो जैनी को दिखेगा। तो इसका आंसर क्या बना, फर्स्ट द जैनी शुड टर्न एट 180 डिग्री, देन द वर्टिकल मिरर थर्ड वन, टॉप से तीसरा है, ये भी गलत था, टॉप से थर्ड, वर्टिकल मिरर विल हेल्प द जैनी टू सी द टॉर्च। ओके, व्हाट हैपेंस टू द लाइट व्हेन लाइट हिट्स द मिरर, वेरी सिंपल, उस प्रोसेस का नाम क्या है कि जिससे लाइट टकरा के इधर से इधर चले जाती है। शाबाश, मिरर से लाइट टकरा कर रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन, उस प्रोसेस का नाम होता है रिफ्लेक्शन। शाबाश, तो ये था हमारा केस स्टडी टू। अब मॉड्यूल थ्री जो है ना बेटे वो लेंस पे है, मॉड्यूल थ्री लेंस पे है, इसलिए हम पहले लेंस को समझेंगे, इसको हम आगे चलते हैं। शाबाश, अब हम थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करेंगे, सभी बच्चे एक हेडिंग लिख के छोड़ दें, क्या हेडिंग लिखेंगे सभी बच्चे, लेंसेस। लेंसेस नया टॉपिक आ गया, देखो मेरे पास कुछ चीजें भी हैं आपको दिखाने के लिए ताकि हम एक्टिविटीज कर सकें। लोग क्या, लेजर बीम एज ए सोर्स ऑफ लाइट, एक मेरे पास ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस क्या होता है, सेंटर से मोटा होता है, जहां से मैंने पकड़ा है यहां से मोटा होता है। ओके, अगर मैं यहां से पकड़ू किनारी से किसी भी जगह से, इस किनारी से या इस किनारी से, किनारी से ये पतला होता है। ओके, अगर ऐसे गहराई से, आप दूर बैठे हो, गहराई से मैं आपको दिखाऊं
तो यहां से टीचर ने पकड़ा हुआ है, यहां से ये पतला होता है, और अगर सेंटर से पकड़े यहां से तो यहां से ये मोटा होता है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। बच्चा कह रहा है सर अगर हम इसको साइड से देखें तो ऐसे दिखेगा ना ये दोनों तरफ से। यस, अगर हम लेंस का, किसका, सभी बच्चे फिगर बनाएंगे, लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का साइड व्यू देखें, साइड व्यू, तो ऐसे सेंटर से मोटा, साइडों से पतला कांच का बना होगा, ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार देखा जा सकता है। और याद रखना अगर मिरर्स का आर्टिकल हो, सफेरिकल मिरर्स का आर्टिकल हो तो उसमें कॉनकेव के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर लेंसेज का हो, लेंसेज में कॉन्वेक्स लेंस इंपॉर्टेंट हो। अच्छा बेटे, एक और लेंस होता है, उसका नाम होता है कॉनकेव लेंस। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की साइड व्यू दिखाई है आपको, इसी तरह से मैं कॉनकेव लेंस की भी साइड व्यू दिखाता हूं, लेकिन पहले मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूं आपको। ये देखो, अब दूसरा लेंस उठा लिया मैंने, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस नीचे रखा और कनकेव उठाया। देखो दोनों की किनारी में कितना फर्क है, किनारी से, सर्कमफ्रेंस से कौन सा मोटा है, बता सकते हो हम? ये किनारी, बिल्कुल किनारी से, एवरीवेयर फ्रॉम द सर्कमफ्रेंस इट इज थिकर, बट एट द सेंटर वेयर आई एम होल्डिंग इट प्रेजेंटली, एग्जैक्टली एट द सेंटर, यहां से ये पतला होता है। तो इसका साइड व्यू कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा साइड व्यू। अगर इसको साइड व्यू से ना देखकर फ्रंट व्यू देखें, फ्रंट व्यू से तो सर्कल ही दिखेगा ना, फ्रंट व्यू से सर्कुलर। और कन्वेक्स लेंस को भी फ्रंट व्यू से देखेंगे तो क्या दिखेगा? सर्कुलर, सर्कुलर। कौन? फ्रंट व्यू। और उधर भी क्या था? सर्कुलर। फ्रंट व्यू दोनों का सेम होता है। और क्या सीखे हम इसमें आगे बढ़ने के लिए? देखो बेटे, ऐसा देखा गया, अगर हम यहां से टॉर्च रख के, सोर्स ऑफ लाइट रख के या लेजर बीम रख के उसके ऊपर लाइट थ्रो करते हैं, किसके ऊपर? कॉनकेव लेंस के ऊपर। व्हाट वी फाउंड, ये इस लाइट को, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, देखो बिल्कुल सीधी रेखाओं में लाइट जा रही है, इसको क्या बोलते हैं टर्म, टेक्निकल लैंग्वेज में, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये इस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फैला देता है, फैलाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाइवर्ज बोलेंगे। लेकिन जो दूसरा लेंस है उसका नेचर इससे अपोजिट है, उसमें देखो मैं येलो लाइट थ्रो कर रहा हूं, येलो लाइट थ्रो करा, पहले की तरह इसको क्या लिखेंगे बेटे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक बच्चा कह रहा है दूसरी क्लास में मेरे को, सर इसको पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्यों बोलते हैं हम? तब मैंने उसको समझाया, बेटे अगर लेंस की तुमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करनी होगी तो लेंस के बिल्कुल बीचों बीच जाएगी, इस लाइन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। और लेंस के बीचों बीच जो पॉइंट होता है एग्जैक्टली एट सेंटर, उसको ओ से लिखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा बच्चा पूछता है सर क्या ऐसी प्रिंसिपल एक्सिस
हम कॉनकेव लेंस में भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वहां पर भी ओ लिखना पड़ेगा और इस येलो लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलना पड़ेगा और ओ पॉइंट को ऑप्टिकल सेंटर व्यू बोलेंगे। टर्मिनोलॉजी याद रखनी है बेटे, ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो क्या होता है, योर अटेंशन। जब हमने इसके ऊपर येलो लाइट थ्रो करा तो कन्वेक्स लेंस उसको एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर देता है और वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, एफ पॉइंट। कॉन्सेंट्रेट करता है, कॉन्सेंट्रेट फोकस करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस किसको? कॉन्वेक्स लेंस को। लिख लो सभी बच्चे। इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस? क्योंकि इसने वाइट पैरेलल बीम ऑफ लाइट को बिखेर दिया। और इसको कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसने येलो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक ही पॉइंट पे फोकस कर दिया। ओके, ये थोड़ा सा कंपैरिजन है दोनों लेंसेस का, ध्यान से लिख लो। एक और बात सुनो, शाबाश। एक बच्चा मेरे को बोलता है लास्ट क्लास में, सर आपने कॉन्वेक्स लेंस में तो हमें फोकस से समझा दिया जहां पर लाइट कॉन्सेंट्रेट होगी, लेकिन कॉनकेव लेंस में तो आपने बताया ही नहीं फोकस। तो मैंने उसको भी समझाया फोकस इसका कहां पर होता है, तो मैं कहूंगा जिस जगह पर लाइट इसने डाइवर्ज करी है, अगर वहां पर एक इंसान खड़ा कर दें तो उसकी आंखें सोचेंगी कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, इसलिए इस व्हाइट लाइन को वो एक्सटेंडेड रे से एक्सटेंड कर दो, और डॉटेड का मतलब किसको भी एक्सटेंडेड रे से एक्सटेंड कर दो। ये जो डॉटेड दोनों ऑरेंज कलर की लाइटें जहां पर मिलेंगी, इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। किसका? कॉनकेव लेंस का। शाबाश। अगर यहां पर एक बंदा खड़ा कर दें, उसको बोले लाइट कैसे आएगी, वो कह रहा है यहां से आएगी स्ट्रेट लाइन में। क्यों भाई? कहता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। तो उस हालांकि असली में लाइट का असली में रास्ता कौन सा है? ये व्हाइट रे, यहां से लाइट आई, लेंस की मदद से डाइवर्ज होगी। पर आंखें क्या सोचती हैं, ह्यूमन ब्रेन, कि इट ऑलवेज कम्स स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट। जिस पॉइंट से आती हुई लाइटें लगती हैं आंख को, वो फोकस होता है। किसका? कॉनकेव का। तो कॉनकेव लेंस में फोकस हो गया वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि एक्सटेंडेड रे से बना। और कन्वेक्स लेंस में असली में लाइट फोकस करती है, बिल्कुल असली में। तो इसका फोकस क्या हुआ? कन्वेक्स लेंस का रियल। लिख लो लिख लो, भूल जाओगे इतनी बातें। देखो, फोकस इन द कन्वेक्स लेंस इज रियल एंड फोकस इन द कॉनकेव लेंस इज वर्चुअल। आई रिपीट, फोकस इन द कन्वेक्स लेंस इज रियल, फोकस इन द कंकेव लेंस इज वर्चुअल। ओके, लेंस के स्पेलिंग LENS, लेंस। यहां तक सिंगुलर में लिखना है तो यहां तक, प्लूरल में लिखना है तो ES लगे। इस फिगर में हमने दोनों लेंसेज का, दो ही टाइप्स होती हैं, दोनों लेंसेज का हमने हल्का सा कंपैरिजन किया, साथ में टेक्निकल टर्म्स सीखी। कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स सीखी? ऑप्टिकल सेंटर। और कौन सी सीखी? कॉन्वेक्स लेंस। और क्या सीखी? कॉनकेव लेंस। और क्या सीखी? प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या सीखी? डाइवर्जिंग लेंस।
और कैसे की कन्वर्जिंग लेंस, फोकस वाली प्रोसेस को, फिनोमिना को क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। और लाइट को ऐसे बिखेर देना, उसको क्या प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस। और क्या सीखी? रियल फोकस। और क्या सीखा? वर्चुअल फोकस। और क्या सीखा? दोनों लेंसों का फ्रंट क्या है? सर्कुलर। और क्या सीखा? साइड व्यू अगर देखें, कॉन्वेक्स लेंस साइड से मोटा और किनारी से पतला। कॉनकेव लेंस बिल्कुल सेंटर से पतला और किनारी से मोटा। और कन्वेक्स लेंस सेंटर से मोटा, किनारी से पतला। दोनों किसके बने होते हैं? यूजुअली ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो कि जनरली क्या होता है? जनरली कांच होता है। व्हाट इट? और एक खास बात ध्यान से सुनना, जो फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है और फोकस होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, ऊपर। राइट आगे लिखो, आगे और भी टेक्निकल टर्म्स हैं। ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक के डिस्टेंस को, ओ से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को, इसको, ओ पॉइंट से लेकर एफ तक के डिस्टेंस को हम एक समान लेटर एफ से लिखते हैं। कोई बच्चा बता पाएगा एफ को क्या बोलेंगे? शाबाश, फोकल लेंथ। अब हम अगले पेज पे चलेंगे, क्योंकि ये दोनों का कंपैरिजन एक ही पेज पर करना जरूरी था, इसलिए मेरे को हल्का सा टाइट लिखना पड़ा। लेकिन अब हम नेक्स्ट पेज पे थोड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम। लिखोगे एडिंग मोर टेक्निकल टर्म्स, शाबाश, मोर टेक्निकल टर्म्स। ये टर्म्स दोनों लेंसों पे लागू होती हैं, हालांकि मैं डायग्राम में आपको कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगा। देखो ध्यान से देखना बेटे, ये एक लेंस एक साइड, ये दूसरी साइड। कौन सा लेंस बनाया टीचर ने? कॉन्वेक्स लेंस। कोई बच्चा बताएगा ये वाला पॉइंट कौन सा होता है जो टीचर अभी मार्क कर रहा है? सेंटर फॉर ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल सही, दोनों लेंसेज में होता है। और कोई बच्चा बताएगा इस ऑप्टिकल सेंटर में से जो ये टीचर ग्रीन कलर की लाइन निकाल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन, प्रिंसिपल कमाल हो गया, कमाल हो गया। अभी तो मैंने क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, पहले ही बता दिया कुछ गुड़िया ने। वेरी नाइस, बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और सुनो ध्यान से सुनो, टीचर ने इसके ऊपर एक पॉइंट शो करा था जिसको मैं येलो कलर से शो कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, ये वाला पॉइंट। इसको क्या नाम था, इसका नाम क्या था? फोकस पर फोकस या फोकस रियल था कि वर्चुअल था इस लेंस के लिए? रियल फोकस रियल था, बिल्कुल सही। अगली बात ध्यान से सुना, अब नई टर्म्स आएंगी, योर अटेंशन बेटे। इस लेंस के टॉप वाले किनारे से बॉटम वाले किनारे तक जो लेंथ होती है, टॉप वाले किनारे से बॉटम वाले किनारे तक जो जितना भी ये लंबा है, जो भी इसका डायामीटर होता है, ये देखो, अगर मैं उठाऊं, ये देखो, टॉप वाले किनारे से लेकर स्ट्रेट लाइन बॉटम तक बिल्कुल डायामीटर जो होएगा, उसको स्मॉल ए से लिखते हैं। स्मॉल ए का क्या नाम था? अपर्चर। सही, इस टर्म का नाम होता है अपर्चर। देखो मैं साइड पे लिख रहा हूं, पता नहीं आप लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे।
नेक्स्ट पॉइंट, समझदार बच्चा डायग्राम बनाता जाएगा साथ के साथ। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, मान लो मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रखा, क्या रखा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साइज को किससे लिखते हैं, ओ को ब्रैकेट में डालना। ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर इसका इमेज बन गया, इमेज, इमेज के साइज को क्या लिखते हैं, आई को स्क्वायर ब्रैकेट में डालते। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को पोल ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन यू से लिखते हैं। शाबाश एवरीबॉडी, लिख लो यू। इमेज के डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से स्मॉल वी लेटर से लिखते हैं, स्मॉल वी। पूरे वर्ल्ड में ये कन्वेंशन चलती है, आप इन दो सिंबलों को चेंज नहीं कर सकते। यू के बारे में क्या लिखेंगे, अगर किसी बच्चे ने लिखना हो लिख लो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। यू का मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। वी का मतलब, वी का डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से सुनना, इस डिस्टेंस को क्या बोला था, देखिए कौन बच्चा बताता है भाई, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक, बिल्कुल फोकल सही, शाबाश। स्मॉल एफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ओके, और सुनो ध्यान से, अगर एफ से जितनी भी दूरी है, एफ की दूरी कहां से, ओ से, डबल दूरी पर एक पॉइंट लगा लें, डबल दूरी पर सी वन बोलेंगे, ऐसे ही इधर को एफ लगा दें और उससे डबल दूरी पर एक और पॉइंट लगा दें सी टू, तो सी वन और सी टू को दोनों को सेंटर। टाइम ओके बेटे, लिख लेते हैं इसको लास्ट लाइन, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, बना लो जरा जल्दी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आज का लास्ट पॉइंट बताने लगा हूं, आज का लास्ट पॉइंट, इन तीनों सिंबल्स में एक फार्मूला लिंक्ड होता है, देख लो तीनों कौन कौन से, यू वी और एफ, इनमें एक फार्मूला आपस में लिंक्ड होता है, लिख लो। देखो, वन अपॉन एफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी, लेकिन लेकिन क्या, यू के आगे माइनस का साइन भी लगाना है सभी बच्चों ने, ये इसमें फार्मूला होता है। एक बच्चा मेरे को बोलता है, सर कोई ऐसा फार्मूला मिरर में भी था, कॉनकेव मिरर और स्फेरिकल मिरर जो करे थे, वहां भी एक फार्मूला होता है, बस ये माइनस नहीं लगता, ऐसा ही फार्मूला लगता है मिरर्स में, लेकिन वहां माइनस नहीं लगता, लेंसेज वाले में माइनस लगता है। एक बच्चा कहता है, सर मैं तो भूल जाऊंगा किसमें माइनस लगना है। मैंने कहा, नहीं भूलोगे, मेमोरी टूल देखो, एल के अंदर पहले ही माइनस छुपा हुआ है, लेंसेज में माइनस लगा लगेगा, एल फॉर लेंसेज, लेंसेज में यू के आगे माइनस लगेगा। ओके, तो आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अगर कोई बच्चा पूछता, सर मिरर वाला फार्मूला क्या बनेगा, कंकेव मिरर में, मिरर में, तो वो बनेगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। देखो टीचर ने इसमें माइनस नहीं लगाया, इस फार्मूले का नाम होता है मिरर फार्मूला, जबकि यहां लगाया है, इस लेंस वाले फार्मूले का नाम होता है लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन। बस आज का लास्ट है, बाकी कल करेंगे, लेंस इक्वेशन। क्या ये इक्वेशन सिर्फ कन्वेक्स लेंस पे, नो नो नो, जितनी भी ये टर्म्स होती हैं ये कन्वेक्स लेंस पे टीचर ने फिगर में जरूर दिखाई, ये सारी टर्म्स
कॉनकेव लेंस पे भी वैलिड होती हैं। एक टर्म लास्ट में छूट गई, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज। लिख लो, एम स्टैंड्स फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन, एम स्मॉल एम से लिखना है। आप दोनों हाथ वेव करके दिखा दो एक बार क्लास ओवर करने से पहले, जिनको आज का लेक्चर समझ आए। वेव योर हैंड्स। शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया। मेरा दिल करता है एक दिन मैं आपको पर्सनली मिलने आऊं आपके शहर में। कितने प्यारे बच्चे, कितने ध्यान से लेक्चर सुनते हैं। एंड सबसे ज्यादा थैंकफुल हूं मैं क्लास टीचर्स का, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के इतने छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। 99% कंट्रीब्यूशन टू योर टीचर्स हु आर मेंटेनिंग द सो गुड डिसिप्लिन इन योर क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। अगली बार मिलते हैं।